आज है ट्यूसडे एंड आज बहुत ही ज़्यादा लेज़ी डे रहा मेरा। ऑलमोस्ट पूरे दिन लाइक मुझे ऐसा लग रहा है बेड पे ही मैंने बिताया सो के। थोड़ा बहुत काम वो भी आलस से मैंने किया है। एक मन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी विंटर आ गया है एंड आई हेट विंटर। आई कैन नॉट टेल यू मुझे सर्दी कितना गंदा लगता है। मैं गर्मी बर्दाश्त कर सकती हूँ बट सर्दी बिल्कुल नहीं। और सर्दी में मुझसे कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन बहुत लेज़ी हो जाती हूँ और 3 साल क्योंकि मैं हैदराबाद में रही हूँ तो बिल्कुल भी मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता है सर्दी। तो शादी के बाद ऑलमोस्ट मैंने हैदराबाद में ही सर्दी बिताया 3 साल और अभी ये चौथा साल यहाँ पर है। तो आई डोंट नो कैसे मैं बर्दाश्त करूँगी सर्दी। सो या इस वजह से मैं थोड़ी सी लेज़ी सी हूँ। और मेरे बाल देखिए कितना गंदा हालत है। मैंने कंघी भी सही से नहीं किया है। और हाँ जी बेटा, और मेरे फेस को आज बिल्कुल इग्नोर करना गाइस क्योंकि कुछ भी नहीं है, जस्ट मॉइस्चराइजर है। मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ऑयली भी है और मैंने हाँ थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया है बहुत थोड़ा सा डैप करके एंड या सो। हाँ जी बेटा, खाना खा लिया? मुँह पे लगा हुआ है अभी भी। हाँ जी, कहाँ जाना है? जाइए जाओ, जोगी को देख के आ जाओ। सो बस अभी सॉरी, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोचो चाय पी लेती हूँ। और हाँ जी बेटा, क्या है? तो बस जा रही हूँ थोड़ा सा चाय पीने। थोड़ा सा चाय पीने के बाद कुछ तो एनर्जी आएगा ही और उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी क्योंकि मेरा जो हॉल है वो पूरा फैला हुआ है, आप देख सकते हो पीछे तो सारा फैला हुआ है। और इधर भी मुझे कुछ सामान है जो मुझे। सो बस अब जा रही हूँ, थोड़ा चाय पी लेती हूँ और मैं उसके साथ कुछ आज खाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी मुझे कैसा लगता है। एक्चुअली अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया सो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। एंड या मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, वो ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद आएंगे। सो या मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चाय। बेटा किचन में चलते हैं। तो अभी मेरा हॉल का कंडीशन देखो, ये दिखाने लायक नहीं है। कम बेबी, सो लाइट जला लेते हैं और मैं जा रही हूँ चाय बनाने और उसके बाद पीऊँगी, थोड़ी सी आपसे बातें करूँगी। और ये क्या है, लग जाता है, ये सब नीरव का कमाल है। सो या ओके गाइस, सो चाय जो है वो मेरा बन रहा है और इसमें मैंने अदरक भी डाला है और ये जो आप देख रहे हो तेज पत्ता है। और ये कोई ऐसा वैसा तेज पत्ता नहीं है, ये एक्चुअली गांव से मंगाया हुआ है जो कि मेरे गांव से मैंने मंगवाया था तेज पत्ता। और ये काफ़ी फ्लेवरफुल है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो जो शहर में मिलता है वो एक्चुअली तेज पत्ता नहीं होता है तो ये बहुत ही है। और इस लड़के को देखो, शोना कर क्या रहे हो आप? शोना क्या कर रहे हो आप? अच्छा आपने क्या खाया दिखाना, चॉकलेट खाया है? क्या खाया आपने बेबी? नो शोना, हाय इधर तो देख लो, एक बार हाय तो बोल दीजिए बेटा। नॉटी बॉय। तो ये मैंने तेज पत्ता देखी काफी, ऐसा 2 डब्बे थे इसमें मैंने फुल करके डाले थे तो अब इतना ख़त्म हुआ है। तो ये गांव का बिल्कुल ओरिजिनल जो तेज पत्ता है वो है। और मैं आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छा, शोना सिट, खड़े नहीं होना है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे फ्रिज अभी खाली है ऑलमोस्ट। सो लेट मी शो यू बेबी। और ये जो है अचार मैंने बनाया है और ये बहुत टेस्टी अचार है। और ये है आंवले की अचार। आंवला बहुत हेल्दी होता है हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, बोल रही हूँ उतना नहीं खाती हूँ, तो कभी कभार बना लेती हूँ। सो ये एक्चुअली मेरी मम्मी ने दिया था, मतलब आंवला दिया था, काफ़ी फ्रेश था, दिल्ली से लेके आई थी। तो मैंने उसका अचार बनाया है। तो सारे मसाले मैंने पीस के डाले हैं एक्सेप्ट धनिया पाउडर। बेबी क्यों ऐसे कर रहे हो आप? तो चाय, ओ गॉड, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद क्योंकि ये लड़का कुछ नहीं करने देगा। ओह शोना बहुत गंदे हो आप, नहीं आपसे मम्मा बात ही नहीं करेगी। तो ये अचार मैंने अभी 2 दिन पहले बनाया है, इसको आप 1 हफ्ता फ्रिज में डाल के या 10 दिन तक इसको आप खा सकते हो। तो ये था मेरा अचार, बहुत टेस्टी है। ओके गाइस, तो एक्चुअली अभी मैं ब्रेड पे ये लगा के खा रही हूँ। ये है मलाई, ये फ्रेश मलाई अभी मैंने निकाला है अपने दूध में से।
तो भैंस का दूध लाती हूँ यहाँ पर। तो सो अभी जस्ट मैंने फ्रेश क्रीम निकाला है दूध से और इसको मैं इस पे स्प्रेड कर रही हूँ। और एक्चुअली ये मैंने अपनी फ्रेंड के व्लॉग में देखा था, तो उसका नाम अनुप्रिया है। और तो देखती हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। और उसके चैनल का नाम गाइज लवली यू है, आप उसका चैनल चेक कर सकते। सो एक्चुअली मैंने उनके में ही देखा था, तो उसने ऐसा खाया था, वो मेरी फ्रेंड है। तो मैं भी आप अभी ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी कैसा लगता है। आई होप अच्छा लगे। तो हाँ जी बेटा, सॉरी गिर गए आप। तो और ये जो है, मैं इसके बाद थोड़ा सा ये खाऊंगी ऑरेंज, और ये डेट्स तो मैं ये खाऊंगी, और माय चीज ऑल्सो वेरी। तो चलते हैं, ठंड आ गई ना बेटा। हाँ जी बेटो, क्या है डॉगी? हाँ जी सुना, एक बात बताओ मुझे। हाँ जी बेटा, बेटा नोजी कहाँ है? सुना सुना, नोजी कहाँ है बेटा? ओए बेटो बेटा बेटा, नोजी कहाँ है? नोजी कहाँ है? वेरी गुड गुड बॉय। नोजी कहाँ है बेटा, सही से बताओ ना मुझे, नोजी कहाँ है? विज नोजी, ओ मेरा बच्चा कहाँ? डॉगी बोल रहा है उधर। हाँ सुना, नोजी कहाँ है सुना? गिर जाओगे, इसको पकड़ लो, गिर जाओगे। पकड़ के बेटा, धूप धूप लग रही है, धूप सेक रहा है मेरा बेटा। ओ करो, काव कहाँ है बेबी? कहाँ है काव? मम्मा तो नहीं दिख रही है। आ रही है अग्गी नो, माँ। ओ मेरा सोना बेटा, लव यू। मैं थक गया, ओ नीरव आप भी खेलना चाहता है, बहुत थक गया, बहुत रो लिया आप। नो आंसू पोंछ लो, कोई क्या बोलेगा आपको देखेगा तो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। और कल का व्लॉग जो था वो अधूरा, सो कल का व्लॉग जो था वो अधूरा मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे फोन की जो बैटरी थी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैंने इवनिंग में चाय बनाया और लेके आ रही थी, जस्ट उसी वक्त मेरा खत्म हो गया उसका बैटरी। और नीरव जो है बहुत ज्यादा रो रहा है इस, ओ मेरा बच्चा बहुत ज्यादा रुला दिया मम्मा ने, मम्मा ने बहुत रुला दिया, मम्मा काम नहीं करे इसका मतलब। ओ सो अभी जा रही हूँ नीरव के लिए दलिया बनाने, इतना ज्यादा रो रहा था तो मुझे आना पड़ा, और मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। खोल, अच्छा ओके ओके खोल लो, अच्छा लो ओके। हाँ जी, ओ मेरे बेटा, ओके लेट मी ओपन। ये जो गेट है ना बहुत ज्यादा, ओ सुनीरव जो, अच्छा आ जाओ, काम काम, मम्मा को नहीं बोलने देना, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक ही तुम्हें पहले चुप कराना। सो आई एम बैक, और नीरव को मैंने बहुत कोशिश किया कि वो सो जाए, बट वो नहीं सोया। सो चलते हैं, मैं सोच रही हूँ नीरव के लिए कुछ बना लूँ। और आज मेरा बाल कंघी नहीं किया है ना, कब से ऐसे ही था कल से, इसलिए ऐसा लग रहा है। सो मैंने बहुत कोशिश किया कि मीरा सो जाए, बट वो नहीं सोया। तो मैं जा रही हूँ उसके लिए कुछ बना देती हूँ, क्योंकि उसे भूख लग गई होगी। तो चलते हैं किचन में, उसके लिए फटाफट से कुछ बनाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि रात के लिए भी मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। तो मैं उसे हमेशा एक चीज़ नहीं देती हूँ, उसे चेंज कर करके देती हूँ, ताकि सारा न्यूट्रिशन उसे मिल सके।
और उसके डाइट में सब कुछ मैं ऐड करती हूँ, लाइक डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उसमें फाइबर हो, हर चीज़ उसकी डाइट में मैं ऐड करती हूँ। पूरे टाइम मैं नेट पे सर्च करती रहती हूँ कि क्या खिलाना चाहिए मुझे, क्या नहीं। मैं जा रही हूँ, फटाफट से बना लेती हूँ। मैंने सब्जी कैसे कैसे तो काटा है, मतलब नीरव बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो फटाफट से मैं डाल देती हूँ कुकर में ताकि फटाफट से हो जाए। और या गाइस, अभी मैं जो बना रही हूँ तो दलिया है बेसिकली, तो दलिया ले लेती हूँ मैं पहले। तो ये मैंने वॉश करके रख दिया था, इसमें दलिया डाल लेती हूँ। और मैंने लिया है यहाँ पर फूल गोभी, तो मैंने गोभी लिया है, मैंने थोड़े बहुत बीन्स लिए हैं, और धनिया, बहुत सारा धनिया लिया है, जो कि बच्चों के लिए, बच्चों की आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। प्याज भी बहुत होता है, बच्चों को डाइजेस्ट करता, मतलब डाइजेशन में हेल्प होती है बच्चों को, और इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चों की अनियन खाने से। और ये है मेथी, तो मेथी का सीज़न आ गया है, तो बच्चों को गर्म रखने के लिए मेथी भी बहुत ज़रूरी है। मैं सारे वेजिटेबल्स जो है वो फटाफट से डाल देती हूँ, और चाहिए मैं बस इसमें हल्दी डालूंगी और नमक डालूंगी, क्योंकि हल्दी भी बहुत फायदा होता है, मुझे इसको भी क्लीन करना है, और बस दैट्स इट। और मैं थोड़ा सा इसमें ओट्स भी डाल रही हूँ, तो ये वाला ओट्स डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि ओट्स चिपक जाता है तो। हाँ जी बेटा, क्या दे दूँ, बोलो तो। खाना बन रहा है शोना का खाना बन रहा है। और नमक डाल दिया, बस इसको हम फटाफट से कुकर लगा देते हैं। हाँ जी बेटा, अभी मम्मा ले रही है आपको। क्या हुआ, क्या दे दूँ, क्या चाहिए? ओके ले रही है मम्मा। ओके गाइस, तो चाय मेरा बन चुका है, फटाफट से छान लेती हूँ, और दलिया भी होने वाला है। हाँ जी, ओ एग खाना है आपको, बॉइल्ड एग खाओगे? तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं एग बॉइल कर लूँ। हाँ जी बेटा, बहुत ज्यादा नोटी है। मैं अपना फेवरेट कप निकाल लेती हूँ और इसमें मैं चाय पीती हूँ। मेरी बहुत सारी कप टूट चुकी है। ओ ओ, इतना तो मम्मा ने प्यार किया आपको। अच्छा मैं, मम्मा ले रही है। ओके चाय मुझे छान लेने दो। चलो चलते हैं, चलो लेट्स गो बेबी। अभी जो है मेरा एग बॉईल हो रहा है, और तब तक मैं सोचू चाय पी लूं, और मेरा हेयर यमी टी बिस्किट खा रहा है, और पूरे सोफा पे। इसी वजह से मुझे बिस्किट देना बिल्कुल पसंद नहीं आता, और मैं बिस्किट देती भी नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, मैदे से होती बनी हुई। तो अगर अच्छा होगा बच्चों को अगर घर पर हम बनाकर बिस्किट दे। यही इसी वजह से मुझे बिस्किट देना पसंद नहीं आता है, क्योंकि सोफा पर फिर वो पूरा फैला देता है, उसकी छोटी छोटी जो टुकड़े होते हैं, फिर उसको क्लीन करना, ओ माय गॉड, इसीलिए मुझे देना पसंद नहीं आता है। और अभी मैं चाय पी रही हूँ और अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो भी आने वाले हैं। आई डोंट नो, बोल तो थे 1 घंटे में आ जाऊंगा, अभी तक आए नहीं है। शोना इधर आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, गुड बॉय गुड बॉय, धीरे से बेटा, वो काम। और ये लड़का बहुत ज्यादा, अभी बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगा। क्या खा रहे हो आप, बिस्किट बिस्किट? हाँ शोना, आपको बिस्किट पसंद आ रही है? बिस्किट अच्छी लगती है आपको? मम्मा को दे दो, मम्मा को, शोना मम्मा को। थैंक यू,
इतना मेरा समझदार बेटा। ओके गाइस, सो आप देख सकते हो दलिया बन गया है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो एक बार मैं इसको देखती हूँ चलाकर। सुना क्या कर रहे हो आप? क्या है बेटा? तो इतनी हेल्दी दलिया है, तो ये अगर ज़्यादा बन जाता तो मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा। एक बार इसको मुझे मिक्स कर देना अच्छे से और बस, और वो मुझे जीरा या घी या ऑयल से। सो बस ये बन गया है नीरव को छोंक के मैं। सो इसको मैं तड़का दे के नीरव को दे देती हूँ। और इधर जो है मैंने अंडा भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। सो चार अंडे रखे हैं, तो ये मैं और मेरे हस्बैंड और नीरव को भी दूंगी। वैसे इतना पसंद नहीं करता ये, कौन खाएगा? यम्मी यम्मी। तो मैं इसमें सर्व कर लेती हूँ नीरव के लिए दलिया और खिलाती हूँ। सो गाइस, ये है मेरा टेस्टी सा हेल्दी सा बॉइल्ड एग। इस पर मैंने सब कुछ डाल दिया है टॉपिंग, और ये बहुत टेस्टी लग रहा है। सो मैं जा रही हूँ इसे इंजॉय करती हूँ, और आप भी इंजॉय करें। सो या ओके गाइस, सो आज के वीडियो में इतना ही था। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और या सब्सक्राइब टू माय चैनल।